प्लीज कमेंट किया करिए आपको और क्या देखना है कुछ ज्यादा अच्छा ब्लॉग में। तो आज पूरा संडे बहुत बिजी रहा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज संडे का दिन है। संडे के दिन हस्बैंड का ऑफिस क्लोज रहता है, तो आज उनने सोचा कि पेड़ पौधों की कटिंग कर दी जाए, तो बस उसी काम में लगे हुए हैं। और यहाँ गुलाब की भी कटिंग हो गई है, और अभी गुलाब की कटिंग कर दो इस मौसम में तो ठंड में बहुत अच्छे गुलाब के फूल आते हैं, तो इसलिए बारिश के पहले सब पौधों की कटिंग हो गई है, क्योंकि बहुत बड़े फिर पेड़ हो जाएंगे तो काटना मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ ये मैं नींबू का पेड़ दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे नींबू आए हुए हैं। पहले इसमें नींबू नहीं आते थे, 3 साल पहले लगाया था, लेकिन किसी ने बताया कि इसकी जड़ में मछली डाल दो तो बहुत अच्छे नींबू आने लगते हैं। वाकई में बहुत अच्छे नींबू आने लगे हैं। और अभी तो नींबू खाना बहुत अच्छा है कोरोना के लिए। तो और ये किचन में आ गई हूँ मैं, और जो सब्जी आई थी सबको धो करके अच्छे से सब सुखाने के लिए रख दिया। यार ये काम बहुत बढ़ गया है इस समय तो, और प्याज को धो नहीं सकते, इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं धूप में डाल देती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो बस पलंग में मैंने धूप में डाल दिया, आधा घंटा ऐसे ही पड़े रहने दूँगी, फिर उठा लूँगी। और बस अंदर लग गई हूँ अपने डस्टिंग वाले काम में, क्योंकि सब जगह डस्टिंग करना भी बहुत ज़रूरी रहता है। तो हॉल की डस्टिंग तो मैं डेली करती हूँ, रूम की एक एक दिन छोड़ के करती हूँ। तो बस ये जल्दी जल्दी मैं सोच रही हूँ कि डस्टिंग कर लूँ, उसके बाद फिर लंच वगैरह में लगूँगी। तो बस डस्टिंग करके फिर सब काम फ्री हो जाएगा ये साफ़ सफाई का। तो ये डस्टिंग कर दिया है, और पोछा वगैरह तो बेटी लगा लेती है। सब्जी काट कर रख दी हूँ, अब नहाने जा रही हूँ। हे गाइस, मैं आ गई हूँ नहा करके, और बस किचन में अब जुट गई हूँ। आज शाम को आप मेरा स्पेशल देखेंगे कि आज मैं क्या बना रही हूँ। आज संडे ब्लॉग है ये, इसलिए आज मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं हम सब लोग, आप समझ तो गए होंगे। पानी पूरी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ ठेले की चाट की। तो आज मैंने सोचा है कि शाम को टिक्की चाट बनाऊंगी, इसलिए मैंने आज मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है, सीधे लंच बना रही हूँ, जिससे जल्दी लंच बना करके शाम को मैं टिक्की चाट बनाऊंगी। तो आप ज़रूर देखिएगा कि मैं टिक्की चाट कैसे बनाती हूँ, और आप लोग भी ट्राई करिएगा। उससे क्या होगा कि जो हम लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ना बाहर का खाना, और वो देखिए बात कर रहे तो मेरे मुंह में पानी आ गया, जो टिक्की चाट वगैरह है और फुल्की है, ये सब हम लेडीज़ लोग कुछ ज़्यादा ही मिस करते हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो आज मैं शाम को यही बनाने वाली हूँ। तो चलिए अभी तो मैं जल्दी से लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको शाम को। मैंने यहाँ लंच बनाना स्टार्ट कर दिया है। मैं फॉरवर्ड कर करके थोड़ी थोड़ी क्लिप आपको दिखा रही हूँ कि आज मैं लंच में क्या बना रही हूँ। तो मैं यहाँ आज 2 तरह की सब्ज़ी, दाल चावल और रोटी बनाऊँगी। तो यहाँ मैं आलू और बरबटी की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो नॉर्मल जैसे सब लोग बनाते हैं वैसे ही बना रही हूँ, कुछ खास ऐसा नहीं है। तो बस ये क्लिप मैं फॉरवर्ड करके थोड़ा आपको दिखाना चाह रही थी। अब मैं यहाँ भरमा शिमला मिर्च का मसाला तैयार कर रही हूँ। तो इसमें मैंने थोड़ी सी हींग भी डाली है, तो ये हींग मैंने ऐड कर दी। और जो मसाले मैंने ऐड किए हैं उसका वीडियो शूट नहीं हो पाया था, इसमें मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच गरम मसाला ऐड किया है, और 2 चम्मच भुना हुआ बेसन ऐड करके अच्छे से भून लिया है, और नमक ऐड कर दिया है। और ये जब भुन जाएगा तो गैस को बंद कर देंगे। और इधर मैंने चावल का पानी चढ़ा करके जब चावल उबलने लगा तो उसमें चावल डाल दिया, थोड़ा सा नमक और घी डाल दिया। जब चावल थोड़ा सा अध कच्चा रह जाए तभी मैंने उसको छन्नी में छान करके गंजी में रख दिया है।
अभी ये मसाला ठंडा हो गया है तो अब इसको मैं शिमला मिर्च में भर रही हूँ। ये चार ही शिमला मिर्च थी मेरे पास, इसलिए मैंने चार ही शिमला मिर्च की सब्जी बनाई है। इसको कढ़ाई में थोड़ा सा तेल में डाल करके चारों तरफ पलटा पलटा करके सेक लेंगे अच्छे से। थोड़ा देर इसमें टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी तो इसको हम पलट पलट करके चारों तरफ सेक लिए। अब मैं यहाँ दाल फ्राई कर रही हूँ, तो दाल में मैं शुद्ध घी में ही जीरा राई और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल करके दाल को पलट दिया है, और इसमें ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल करके। अब मैं यहाँ रोटी बना रही हूँ, तो रोटी भी फटाफट बन गई और बस हमारा लंच तैयार हो गया। और मैंने इनके लिए खाना भी लगा दिया है। हे गाइस, गुड इवनिंग। जैसा कि मैंने बताया था कि शाम को मैं टिक्की चाट बनाऊंगी, तो उसके लिए मैं किचन में आ चुकी हूँ। और लंच के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद सारे ये काम किए, ये बर्तन वगैरह साफ़ किया, किचन साफ़ किया। और अब मैं ये मटर है इसको बॉईल करूँगी और आलू बॉईल करूँगी। दोनों को मैंने धो करके कुकर में रख दिया है, अब इसको मैं गैस पर चढ़ाऊंगी। मटर को मैंने पानी में भिगोकर 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालकर रात भर के लिए रख दिया था। मटर में थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अब मैंने दोनों कुकर चढ़ा दिया, एक आलू वाला और एक मटर वाला। आलू को बहुत देर तक बॉईल नहीं करेंगे, बस थोड़े आलू हो जाने चाहिए, मतलब कच्चे भी नहीं रहें और बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं हो जाए, नहीं तो वो चिपचिपे से हो जाएंगे और टिक्की हमारी अच्छी नहीं बनेगी। कुकर से जल्दी बाहर कर लेंगे और फिर इसको छील लेंगे। जब तक आलू और मटर बॉईल हो रहे हैं तब तक मैं चटनी बना लेती हूँ। मैं यहाँ इमली की चटनी नहीं बनाऊँगी, मीठी चटनी की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं खजूर की चटनी बनाऊँगी। तो ये खजूर है, इसकी चटनी मैं बनाऊँगी। मैंने खजूर को छोटे छोटे पीस में काट लिया है, अब इसको मिक्सी में डाल करके चलाएंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डालना पड़ेगा क्योंकि अब ये घूम नहीं रहा, तो इसमें जरा जरा सा पानी डाल डाल के पीस लेंगे। खजूर का पेस्ट बन गया है, अब इसको पानी डाल करके पतला कर लेंगे। छन्नी लेकर के इसे छान लेंगे पहले, जिससे जो इसका बचा हुआ है मोटा मोटा पार्ट वो इसमें छन जाएगा। अब इसको गैस पे चढ़ा दिया है, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा काला नमक इसमें डालेंगे, भुना हुआ जीरा डालेंगे, थोड़ा सा गुड़ डाल देते हैं, बहुत कम डालना है, थोड़ा सा गुड़ डाल के और पका लेंगे। चटनी हो गई है, इतनी ही गाढ़ी रखना है क्योंकि अभी ये ठंडी होगी तो थोड़ा और गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए इतनी ठीक है। अब गैस को बंद कर देते हैं। मूंगफली को भून करके उसका छिलका उतार दिया है, अब इसको पीस लेंगे। हरी चटनी बना रहे हैं, इसमें मैं हरी मिर्च, लहसुन और धनिया पत्ती डाल करके हरी चटनी बना लूंगी, क्योंकि चाट के साथ हरी तीखी चटनी अच्छी लगती है। इसमें जरा सा नमक डाल देती हूँ। अब मैं मटर बना रही हूँ, उसके लिए कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को चॉप कर लिया है, टमाटर को भी चॉप कर लिया है। कढ़ाई गर्म हो गई है, अब इसमें चॉप किया हुआ प्याज का मिक्सचर डाल देंगे। मटर को भी चेक कर लेते हैं, ये मटर हो गई है, मटर अच्छे से गल जाने के लिए प्याज भून गई है, अब इसमें मसाले ऐड कर देते हैं।
दो चम्मच के करीब धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, टमाटर डाल देते हैं। मटर में पहले से नमक डाल दिया, फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिए। थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा भुना जीरा और थोड़ा सा काला नमक, सबको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तेल छोड़ने लगा है, अब इसमें मटर डाल देते हैं। धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं ढक करके। ये आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है और ठंडे हो गए हैं। बहुत ज़रूरी है कि आलू ठंडे हो जाने चाहिए। इसमें मैं मूंगफली का भुना हुआ पाउडर डाल रही हूँ। वैसे तो लोग क्रम्स या फिर कॉर्नफ्लोर डालते हैं, लेकिन मैं मूंगफली भुनी हुई इसका छिलका उतार के पीस लिया है। थोड़ा सा डालेंगे, अब इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा भुना जीरा, थोड़ा सा सफेद नमक, सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा हाथ में घी लगा करके पूरे आलू को इकट्ठा कर लेंगे। मटर हमारा रेडी हो गया है, इतना ही लिक्विड रहने देंगे, ये थोड़ी देर में और गाढ़ा हो जाएगा, तब तक हम टिक्की बना लेते हैं। हाथ में थोड़ा सा घी लगा लेंगे और जितनी बड़ी टिक्की बनाना उतना बड़ा लोई लेकर के थोड़ा सा चपटा कर देंगे, गोल करके चपटा कर देंगे। इस तरह सब टिक्कियां बना करके रख लेते हैं। सेक लेते हैं तवे में। शुद्ध घी से बना रही हूँ मैं टिक्की, तवे में घी डाल देते हैं। घी को ऐसे सब जगह फैला दिया, अब इसमें हमारी टिक्की सिक गई है, ये हमने देखिए पलट लिया है और ये सिक गई है, टिक्की रेडी हो गई। चाट का ठेला लग गया है, जल्दी आओ, किसको किसको खानी है चाट, सब बिल्कुल रेडी है, प्लेट रेडी है। पहले आलू टिक्की रख दी, अब इसमें मटर डालूंगी। चाट रेडी कर रही हूँ, अब इसके ऊपर दही जाएगा, दही को थोड़ा सा फेंट के डालेंगे तो और अच्छा रहता है। अब ऊपर से मीठी चटनी, ये चटनी बनाई थी वो है ये, कटी हुई प्याज, सेव डालेंगे। ये हमारी चाट रेडी हो गई है बिल्कुल। हाय माते। हेलो। तो मेहनत हो गई, फल कैसा है? बहुत गर्मी, पसीना बहाया ढेर सारा। अब कैसा लगा? मेरे को तो एकदम परफेक्ट लगा है। केले की चाट लगी कि उससे भी परफेक्ट? तू कुछ ज्यादा अच्छा लगा है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। और ये मैंने लस्सी बनाई है, लेकिन इसका वीडियो नहीं बनाया, मैं किसी और ब्लॉग में इसका वीडियो बना दूंगी। कौन सी लस्सी है माते? ये है मैंगो लस्सी। मैंगो लस्सी, नाइस। ये तुमने पी अभी ना?
मुझे तो बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलिए ये वीडियो कैसा लगा जरूर अच्छा। बताइएगा और प्लीज कमेंट किया करिए आपको और क्या देखना है कुछ ज्यादा अच्छा ब्लॉग में। तो आज पूरा संडे बहुत बिजी रहा और आज हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया सिर्फ खाने पीने में और कोई एक्टिविटीज नहीं थी, खाने और बर्तन मांजने में। सारे काम फिनिश हो गए, किचन का काम भी हो गया, दोबारा बर्तन साफ कर लिए नाइट के, और रात में ही बर्तन साफ कर लो तो ठीक रहता है क्योंकि मॉर्निंग से फिर से ऑफिस वगैरह हस्बैंड का, तो सुबह से फिर काम रहता है किचन में, इसलिए मैं रात को ही सारा काम फिनिश कर लेती हूँ किचन का। और आज तो पूरा दिन बहुत बिजी था, सुबह से ही बस काम काम और काम, लेकिन बहुत थकान के बाद अगर खाने की तारीफ हो जाती है तो सारी थकान छू मंतर। हो गया है 10:30 बजने वाले हैं, 10:20, अब मैं बैठ गई हूँ, घड़ी नहीं दिखा सकती हूँ, तो 10:20 हो गया है बस। और लस्सी, मैंगो लस्सी आज मैंने बनाई थी, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया, किसी और ब्लॉग में मैं उसकी रेसिपी शेयर कर दूंगी अगर आप लोग बोलेंगे तो। प्लीज़ कमेंट किया करिए तो मुझे पता चले आप लोगों को मेरा ब्लॉग और रेसिपी जो खाने की बनाती हूँ वो अच्छा लगता है या नहीं। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मैं कैसे जानूंगी, तो प्लीज़ आप कमेंट किया करिए। और अगर आज संडे का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और जो बगल में बेल आइकॉन दिया है उसको प्रेस करेंगे तो ऑल लिखाएगा, तो फिर उसमें आप प्रेस कर देंगे तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी वो आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहीं ब्लॉग एंड करती हूँ, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।